शहर में नीमच मंदसौर जिला स्त्री गोपाल दूध प्रतियोगिता का आयोजन 4 जनवरी को किया जा रहा है, जिसमें गिर नस्ल की गायों की दूध की प्रतियोगिता होगी। जो गाय सबसे अधिक दूध देगी उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। ग्वालटोली स्थित लाल घाटी मैदान पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें दोनों ही जिले के गोपालक अपनी अपनी गायों को लेकर आएंगे। इस प्रतियोगिता में 5 लीटर से कम दूध देने वाली गाय को शामिल नहीं किया गया है। प्रतियोगिता के आयोजक समाज सेवी पप्पू हलवाई, जीतू सुरा, हरगोविंद दीवान ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 6 जनवरी को होगा। प्रथम आने वाली गाय को 31,000, द्वितीय को 21,000, तृतीय को 11,000 नगद राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अन्य सम्मान पत्र व अन्य पुरस्कार भी गोपालक को दिया जाएगा। सब मिलके कर रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं है, समाज के सब लोग मिलके कर रहे हैं, गांव भी मिलके कर रहे हैं। 2 दिन का 5 और 6 तारीख का है, गिर गाय का है कार्यक्रम। जो गाय फर्स्ट आई है उसको 31,000 इनाम है, सेकंड आई 21,000 है और थर्ड आई 11,000। तो गौपालक का यहाँ बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से, और भी भाई लोग जागेंगे। हमारी इच्छा ये बार कहा है, सरकारी तो होते हैं वो, मुख्यमंत्री द्वारा होते हैं हर साल, इस साल लेट हुआ, अभी हुआ नहीं होगा। हमारी इच्छा हो गई कि एक बार कंपाउंडिंग करा के देखो। नीमच मंदसौर जिले ये पहली बार करा रहे। सबसे पहले तो अभी की जो स्थितियाँ हैं, वर्तमान स्थितियाँ, जो कोरोना काल जो अभी ये चल रहा है, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय जो जिले के हमारे वकील जो गोपालक हैं, इनकी हार्दिक इच्छा है कि जो नीमच मंदसौर जिले की जो गिर नस्ल की जो गायें हैं, जिनकी जो गोपालक दुग्ध प्रतियोगिता का जो ये आयोजन सब मिलकर ये रखना चाह रहे हैं, सभी की भागीदारी से ये आयोजन जिले में ये जो टाइप का ये प्रथम कार्यक्रम है, तो सब लोगों की इच्छा है कि ऐसा कार्यक्रम हो, इससे कि ये जो गौ माता की सेवा सारे लोग हम लोग करते ही हैं और उनके पालन को भी बढ़ावा मिले। तो इसमें जो ये प्रतियोगिता है गिर नस्ल की जो गौ माता है, इनकी दुग्ध प्रतियोगिता जो रखी गई है, इसमें जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो नीमच मंदसौर जिले से जो भाग लेंगे गोपालक अपनी गौ माताओं को लेकर, इसमें 2 दिवसीय में जो उनका जो दूध जो हम इससे प्रतियोगिता जो अधिक दूध देने वाली गायें हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, ऐसी सभी की कार्य योजना है। ये नए वर्ष पर दिनांक 5 और 6 को ये प्रतियोगिता सभी के सहयोग से इस टाइप का कार्यक्रम या रखने की योजना है और सारे जो गोपालक में उसकी भागीदारी रहेगी और यही है कि अधिक से अधिक उनको इसमें गायें भाग लें और इस जो गौ माता के जो पालन में इनको बढ़ावा मिले, सब लोग इसमें सभी की भागीदारी हो, ऐसा हमारा प्रयास।